शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है किडनी की पाठशाला में कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं, उसके आयुर्वेदिक उपचार का भी तरीका बताते हैं। विश्व भर में फैले कोरोना वायरस और देश में लगे लॉकडाउन की वजह से हम इस शो को आप तक नहीं ला पाए थे, लेकिन अब जब देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है तो किडनी की पाठशाला बंद क्यों रहे। अब से हर गुरुवार होगी किडनी की क्लास। फिर से शुरू हो गई है आपकी पसंदीदा क्लास किडनी की पाठशाला। पिछले हफ्ते के एपिसोड को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के भरपूर कमेंट्स हमें मिले। अब से हर गुरुवार हम लेकर आएंगे कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब जानना हर किडनी रोगी के लिए जरूरी है। यह आपको जीवन में स्वस्थ परीक्षा में पास होने में आपकी मदद करेगी। तो हो जाइए तैयार किडनी की पाठशाला के लिए। इस शो में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी और आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनमें से आपको सही जवाब चुनना है। आप कमेंट बॉक्स में उनके सही जवाब लिखकर बता सकते हैं। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम अपनी पाठशाला शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते के होमवर्क से। पिछली क्लास में हमने आपसे पूछा था एक सवाल जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। सवाल था, किडनी रोगी इनमें से कौन सी सब्जी खा सकते हैं। ऑप्शन ए हरा कद्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी कटहल या फिर ऑप्शन डी मशरूम। इस सवाल का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजा। काफी लोगों का जवाब बिल्कुल सही था। इस सवाल का जवाब है हरा कद्दू, यानी ऑप्शन ए। चलिए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, दिए गए फलों में से कौन सा फल किडनी रोगी को नहीं खाना चाहिए। ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी पाइनएप्पल, ऑप्शन सी गुआवा या फिर ऑप्शन डी बनाना। सही जवाब है ऑप्शन डी बनाना, यानी केला। केला वो फल है जिसे किडनी रोगी बिल्कुल भी नहीं खा सकते। दूसरा प्रश्न है, किडनी रोगी स्वीट पोटैटो खा सकते हैं या नहीं। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी हफ्ते में एक बार या फिर ऑप्शन डी हफ्ते में दो बार। सही जवाब है ऑप्शन ए, किडनी रोगी को स्वीट पोटैटो का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें अधिक मात्रा में पोटाशियम और फास्फोरस होता है, साथ ही ये डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। अगला सवाल है, कौन सा सैलेड किडनी रोगी ले सकते हैं। ए क्यूकुम्बर, बी अनियन, सी टोमेटो या फिर डी कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हाँ, किडनी रोगी को इनमें से किसी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी प्याज को उबालकर खा सकते हैं। अगला सवाल, किडनी रोगी इनमें से कौन सी पत्तेदार सब्जी खा सकते हैं। ऑप्शन ए फूलगोभी, ऑप्शन बी पत्ता गोभी, ऑप्शन सी पालक या ऑप्शन डी मेथी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। ये आज की क्लास का होमवर्क है। इस सवाल का जवाब आपको अगली वीडियो में हम देंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक फीमेल का नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल कितना होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन बी 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 2.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन सी 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर ऑप्शन डी 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी। एक फीमेल का नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और अब आज का आखिरी सवाल, क्या किडनी रोगी के लिए ट्रांसप्लांट सही विकल्प है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कुछ समय के लिए ठीक है या फिर ऑप्शन डी आयुर्वेद बेहतर विकल्प है।
राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आयुर्वेदिक उपचार। आयुर्वेद ही आपके लिए बेहतर विकल्प है। इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। ये उपचार न होकर सिर्फ तकनीकी तौर पर किडनी का फंक्शन परफॉर्म कराने के ऑप्शंस हैं। ट्रांसप्लांट महंगा तो है ही, इसका सक्सेस रेट भी सही नहीं है। किडनी की बीमारी का सबसे बेहतर और बेतोड़ इलाज है आयुर्वेदिक उपचार। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेदिक औषधि आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है अगर सही समय और सही हाथों से इसका उपचार किया जाए तो। औषधिक इलाज करने के लिए जरूरी है कि आप एक कुशल और अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपना इलाज शुरू करें। हजारों किडनी रोगियों ने आयुर्वेद की मदद से अपनी किडनी को पहले जितना सशक्त बनाया है। आइए मिलें कर्मा आयुर्वेदा के एक ऐसे ही रोगी से जिन्होंने इस बीमारी को मात देकर शुरुआत की एक स्वस्थ जीवन की। तो आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं जिनका नाम है खुशेश्वर सिंह। खुशेश्वर सिंह देवघर झारखंड। झारखंड से जब आए थे क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको खुशेश्वर? आए थे उस समय भूख नहीं लगता था, तो डॉक्टर साहब से दिखाए तो किडनी चेक किया गया तो 5.8 निकला। उसके बाद तब मतलब कि टीवी पर प्रचार सर का देखे तो हम आके यहाँ आपसे मिले देवघर झारखंड से। इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अच्छा जी, पुलिस इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद में तब डॉक्टर साहब से आपसे मिले हम सर, तो 3 महीने का दवा यहाँ से मिला, परहेज भी किए, दवा भी खाए, तो 3 महीने के बाद जब मैं चेक कराया तो 3.6 पहले कितना था? 5.8 था। 5.8 से 3.6 आ गया, काफी अच्छा रिड्यूस हुआ है, बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। जी हाँ, पहले वाले रिपोर्ट लाए आप? पहले वाली रिपोर्ट तो नहीं लाए हैं। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। पहले 5.8 तक इनका क्रिएटिनिन लेवल चला गया था और अभी जो करंटली इन्होंने कराया दैट इज अराउंड 3.6 तक आ गया। यूरिया भी रिड्यूस हुआ है, 110 की रेंज में आया, पहले यूरिया था 156 के आसपास था आपका। दोनों चीजों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट और चेंजेस इनको नजर आए हैं और ना केवल इनका क्रिएटिनिन यूरिया कम है बल्कि फिजिकली भी इनको बहुत अच्छे फिजिकली फिट महसूस कर रहे हैं ना? जी हाँ, फिट है ना बिल्कुल, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, वही पैर वाला थोड़ा सा दिक्कत। क्या मैसेज देना चाहेंगे किडनी पेशेंट्स को जो इसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं? जूझ रहे हैं हम तो यही बोलेंगे कि सर द्वारा टीवी पर बराबर 10 बजे के लगभग कार्यक्रम होता है 1.5 घंटे का, वो हमेशा हम देखते हैं और उसमें देखकर सभी रोगी जो है ये शिक्षा लें कि आयुर्वेदिक का इलाज सर के यहाँ करावे, जितने भी किडनी पेशेंट है वो आके सर से मिले और आयुर्वेदिक इलाज कर। डायलिसिस के लिए बता दे रहे वहाँ पे आपको? डायलिसिस के लिए वहाँ बतला दिया गया था लेकिन सर के पास आने से डायलिसिस से वंचित रह गए हम। डायलिसिस से वंचित होना एक शुभ आपके लिए समाचार है, डायलिसिस की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी है, ये बहुत अच्छी चीज है। झारखंड से आए हुए हैं और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स भी नजर आए हैं, जैसे ऐसे बताया था वैसे इन्होंने सब चीजें फॉलो करी, मेडिसिन भी, गाइडलाइंस भी, डाइट चार्ट भी, रिजल्ट्स आर अमेजिंग, रिजल्ट्स आर वेरी गुड, क्रिएटिनिन भी रिड्यूस हुआ, यूरिया भी रिड्यूस। तो देखिए आपने आयुर्वेदिक उपचार की क्षमता। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से जूझ रहा है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी की हर समस्या का हल। आप हमसे सीधा संपर्क करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर आप डिस्क्रिप्शन एरिया में देख सकते हैं। डॉक्टर पुनीत धवन ने अपने आयुर्वेदिक ज्ञान से कितने ही किडनी रोगियों को नए जीवन की दिशा दी है। आयुर्वेदिक औषधि से उन्होंने जवाब दे चुकी किडनीज को भी पहले जैसा दुरुस्त बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगले गुरुवार हम फिर हाजिर होंगे अपनी नई वीडियो के साथ। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में आप मास्क और सैनिटाइजर के बिना घर से बाहर न निकले, अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 0987171205 0114264 4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।